ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए वैभव वशिष्ठ, अ चैनल वेयर यू विल बी गेटिंग ऑल द क्लासेस ऑफ योर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज एट फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड नॉट जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, वी विल बी लर्निंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर इकोनॉमिक्स विद फन, विद एग्जांपल्स ऑफ सम बिग सेलिब्रिटीज एंड रियल लाइफ सिनेरियोज, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर कंसेप्ट समझ में आ जाए. सो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे हमारा मनी एंड बैंकिंग, और आज जो हम हमारी क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है मनी सप्लाई. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मनी सप्लाई, मैं उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक कवर करना चाहता हूँ, हमारे मनी को कैसे क्लासीफाई करा जाएगा. सो बेटा, हमारा मनी दो तरीके से क्लासीफाई हो सकता है, एक है फिएट मनी और एक है फिड्यूशियरी मनी. बेटा ये क्वेश्चन आपके एक मार्क्स में भी आ सकता है या आपके दो मार्क्स का डिफरेंस भी आ सकता है दोनों के बीच में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. सो बेटा, आपका फिएट मनी वो मनी है जो आप लोग ऑलरेडी समझते हो मनी को, यानी कि आपका पैसा आप फोटो देख के समझ सकते हो. इट इज़ द मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर एंड द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द शॉपकीपर. बेटा जो भी आप दुकानदार के पास जाते हो चॉकलेट लेने, कुछ भी खरीदने, ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट दिस मनी बिकॉज इट इज लीगली इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है सर, हमको समझ में आ गया, दुकानदार को इसको लेना पड़ेगा पैसे को, क्योंकि ये लीगली बाउंड है, वो मना नहीं कर सकता कि मैं ये आपका नोट नहीं लेऊंगा. नोट फटा हुआ है तो अलग बात है, बाकी दुकानदार शॉपकीपर आपको मना नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ फिएट मनी, इट इज़ इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट. दूसरा जो आपका पैसा है ना बेटा, वो है फिड्यूशियरी मनी. सर फिड्यूशियरी मनी ये कौन सा पैसा है? तो बेटा मान लो आप बाइक खरीदने गए, एक्टिवा खरीदने गए, और आपके पास में कैश तो था नहीं, तो आपने देखा होगा ना आपके फादर को, आपके गार्जियन को वो चेक काट के दे देते हैं, चेक पे लिख के लाख रुपए लिखे उनको दिए और उन्होंने ले लिया. हाँ सर बिल्कुल, ऐसा चेक देते हैं हम और वो चेक को लगाते हैं बैंक में और उनको पैसा मिल जाता है. तो बेटा ये जो चेक है ना, ये आपका फिड्यूशियरी मनी होता है. सर वो कैसे? बिकॉज इट इज़ नॉट इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट नहीं कहती कि है ना चेक दे और आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, बट द शॉपकीपर द पे इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट. वाई? बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, फिएट मनी में इट इज़ इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट and here it is accepted as a medium of exchange because of the trust कि मैं इस चेक को लगाऊंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा. सो ये एक छोटा सा आपका टॉपिक था फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी पे. आई होप अगर क्वेश्चन आ जाए एक मार्क्स का या दो मार्क्स का, तीन मार्क्स का, तो आप इसको लिखने में सक्षम रहेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे मनी सप्लाई वाले कंसेप्ट से. सो बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बार बता दूं कि मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और बेटा स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, उसके ऊपर मैं आपकी एक सेपरेट क्लास भी बनाने वाला हूं. लेकिन क्योंकि ये टॉपिक पहले ही आ चुका है हमारा, तो मैं आपको बेसिक एक बार चीज़ समझा देता हूं कि स्टॉक और फ्लो क्या होता है. तो हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, आपके घर में टैंक होगा, पानी का टैंक. तो बेटा उसमें जब पानी आता है रेगुलरली हर दिन, तो वो तो होता है आपका पानी का फ्लो. तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर टोटल महीने में हमारे 30,000 लीटर पानी आया, तो बेटा वो तो था फ्लो. इट इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक महीने में, दो महीने में, एक साल में टोटल इतना पानी आया. और बेटा जब वो पानी आके रुक जाता है आपके टैंक में, तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आप सुबह सुबह उठे 9-10 बजे जाके देखे टैंक कितना भरा हुआ है, अरे टैंक में 2000 लीटर पानी है. सो दैट इज़ द स्टॉक ऑफ वाटर, वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्टॉक तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम काउंट होगा, और फ्लो जो होगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काउंट होता है. अगर हम इसको हमारे इकोनॉमिक्स में लेके आए इस कंसेप्ट को, तो आपकी जो इनकम है, आपके पेरेंट्स की, आपके गार्जियन की जो इनकम है, वो तो होता है बेटा फ्लो. कैसे सर? वो हर महीने आती है, हर वीक, हर महीने आपको हर महीने सैलरी आती है, तो वो तो एक फ्लो है. लेकिन जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में है, या जो उनकी वेल्थ है, सर वेल्थ ये क्या होता है? बेटा आपका जो प्लॉट है, आपका फार्म हाउस होगा, आपका घर होगा, बेटा वो आपकी वेल्थ है, वो आपका स्टॉक है. बिकॉज दैट इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसकी वैल्यू देखोगे कि आज के दिन हम हमारे घर को बेचना चाहे तो वो 1 करोड़ रुपए में बिक सकता है. सो दैट इज योर स्टॉक. सो मनी सप्लाई भी हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है. हम मनी सप्लाई को एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करने वाले, ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और मनी सप्लाई होता क्या है? इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय whom? हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. यानी कि एक देश के टोटल लोगों के पास में जितना भी पैसा है एक समय पे,
जैसे आपने सुबह 9 बजे उठ के देखा ना टैंक में कितना पानी है, वैसे ही एक देश के टोटल सब लोगों के पास में जितना पैसा है एक समय पे, वो होता है हमारा मनी सप्लाई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम मनी सप्लाई में क्या नहीं लेंगे। तो बेटा जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास है और जो आपकी बैंक्स के पास में जितना भी पैसा है वो हम हमारी मनी सप्लाई में नहीं लेंगे। तो सर मनी सप्लाई में आएगा क्या? केवल हम नॉर्मल जो लोग है ना, हम लोग, आप, मैं, हम लोगों के पास में एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पूरे देश में कितना पैसा है वो हमारा मनी सप्लाई में आएगा। मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होगा? स्टॉक ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट एंड स्टॉक ऑफ मनी बाय द बैंक्स। तो यहां से हम एक अच्छा पॉइंट निकाल सकते हैं कि सर मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग वो लोग हैं जो डिमांड करते हैं पैसा, हमको पैसा पैसा तो करते ही रहते हैं, तो हमारा पैसा काउंट होगा, लेकिन जो सप्लायर्स हैं मनी के, जो मनी को सप्लाई करते हैं बैंक, गवर्नमेंट, ये इनका पैसा काउंट नहीं होगा। सो व्हाट इज़ द पॉइंट टू रिमेंबर? सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी, जैसे कि गवर्नमेंट, बैंक्स। ठीक है सर, हमको ये समझ में आ गया कि सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई जो है ना वो टोटल एक देश में जितना, एक देश में जितने भी लोग हैं उनके पास में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना पैसा है वो हमारा मनी सप्लाई, और इसमें हम गवर्नमेंट और बैंक्स का पैसा इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि ओनली द पीपल हु डिमांड मनी, नॉट द पीपल हु सप्लाई मनी। अब यहाँ पे क्योंकि सप्लाई मनी का चीज़ आ गई है तो हम ये भी देख लेते हैं कि बेटा मनी के सप्लायर्स होते कौन है। हाँ सर, ये भी देख लेते हैं। सो देर आर टोटल थ्री सप्लायर्स ऑफ मनी इन इंडिया। सर कौन कौन? फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, दैट इज RBI इन इंडिया। सेकेंड इज गवर्नमेंट एंड थर्ड इज कमर्शियल बैंक। बेटा ये तीन लोग हैं जो पैसे को सप्लाई करते हैं। बोले अच्छा सर ये तीन लोग सप्लाई करते हैं। हाँ बेटा, अब इन तीनों को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो है हमारा सेंट्रल बैंक। सर ये फोटो देखी भी लग रही है, तो बेटा आप सब लोगों ने मनी हाइस्ट देख ही रखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। ये प्रमोशन नहीं है मनी हाइस्ट का, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सो जिन्होंने देख रखी है वो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं बता देता हूँ कि इस सीरीज़ में हुआ क्या था। तो बेटा इनका एक प्रोफेसर था और इनकी एक टीम, पूरी टीम थी। ये सब लोग बेटा अपना मुंह छुपा के, मुकुट लगा के, और है ना स्पेन के सेंट्रल बैंक में घुस जाते हैं। सर स्पेन के सेंट्रल बैंक में वहाँ क्या लेने घुसते हैं? बेटा ये वहाँ पे घुस जाते हैं, कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं कि हम इसको मार देंगे, सारे गेट वगैरह बंद कर देते हैं ताकि पुलिस अंदर नहीं आ पाए, और वहाँ पे ये खुद ही नोट छापना चालू कर देते हैं सेंट्रल बैंक के अंदर। सर खुद से ही नोट छापना? हाँ बेटा, खूब सारे नोट छापते हैं और उन सारे पैसे को लेके भाग जाते हैं। तो बेटा जैसे इन्होंने वहाँ पे नोट छापा, वो तो सेंट्रल बैंक थी स्पेन की, ऐसे ही हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है, और हमारे देश इंडिया की सेंट्रल बैंक क्या है? RBI। अच्छा सर मतलब यहाँ पे जो नोट छापने का काम है वो RBI करती है? यस बेटा। सो RBI इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सर ये जो RBI है जो पैसे छापती है, तो ये किस बेसिस पे छापती है? तो बेटा आपकी जो RBI है वो पैसे छापने का काम करती है एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है कि RBI को कुछ मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है वो पैसे छापने से पहले, और वो मिनिमम रिजर्व कितने का होता है? वो होता है बेटा 200 करोड़ का। तो सर ये मिनिमम रिजर्व क्या है? मतलब बेटा RBI को अपने पास में कुछ गोल्ड और कुछ फॉरेन सिक्योरिटी रखनी पड़ती है मिनिमम 200 करोड़ की। ज़्यादा भी हो सकती है 230-250, बट मिनिमम 200 करोड़ की तो होनी चाहिए, और उन 200 करोड़ में 115 करोड़ का मिनिमम गोल्ड होना चाहिए। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 115 करोड़ का गोल्ड उस 200 करोड़ में होना चाहिए। सो RBI इश्यूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। एंड व्हाट इज दैट मिनिमम रिजर्व सिस्टम? RBI मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। इसको लिख लेना अच्छे से, वो 200 करोड़ किस फॉर्म में होता है? गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। एंड उस 200 करोड़ में ऑफ दिस रिजर्व वैल्यू ऑफ गोल्ड मस्ट बी 115 करोड़। गोल्ड की वैल्यू 115 करोड़ होनी चाहिए उसमें, या आप लिख लेना, आपके एक मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। गोल्ड की वैल्यू 115 करोड़ और टोटल क्या है? 200 करोड़। ठीक है सर, हमको ये समझ में आ गया सेंट्रल बैंक। सर हमारा जो सेकंड सप्लायर था वो थी गवर्नमेंट, सर उसके बारे में बता दो। तो बेटा आपके नोट छापने का काम तो कौन करती है? सर हमारी RBI सेंट्रल बैंक। और जो बेटा आपके सिक्के होते हैं ना, आपके कॉइन्स जो आप लेके जाते हो स्कूल में पेटीज खाने के लिए, 5 रुपये का, 10 रुपये का, और आपका 1 रुपये का नोट, वो सब छापने का काम करती है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इश्यूज 1 रुपी नोट्स
एंड कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, आपके जितने भी कॉइन्स हैं उन सबको बनाने का काम किसका है? गवर्नमेंट का। ठीक है सर, हमको ये समझ में आ गया कि नोट छापने का काम है हमारी आरबीआई का, सेंट्रल बैंक, और जो सिक्के वगैरह है हमारे पास वो हमारी गवर्नमेंट करती है। सर तीसरा था हमारा कमर्शियल बैंक। तो सर कमर्शियल बैंक भी मतलब नोट छापती है, बट बेटा मैं यहाँ पे आपको राज की बात बताऊँ तो कमर्शियल बैंक्स डोंट हैव द अथॉरिटी टू ऑफ इशूइंग करेंसी, उनको नोट छापने की उनके पास में अनुमति नहीं है। सर बैंक नोट नहीं छाप सकते, ये जो HDFC ICICI ये नोट नहीं छाप सकते? नहीं बेटा नहीं छाप सकते। सर फिर ये कैसे अपने सप्लाई मनी को कैसे सप्लाई करते हैं? सो बेटा दे सप्लाई मनी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। आप जो डिमांड डिपॉजिट्स लेके जाते हो ना, आप जो पैसा जमा कराते हो अपने बैंक में, हाँ सर हम जमा कराते हैं, उसके बेसिस पे बेटा ये पैसे को सप्लाई कर देते हैं और उस पैसे को बोलते हैं बैंक मनी। सर उसके बेसिस पे क्या पैसे को कैसे सप्लाई करते हैं? तो बेटा वो होने वाला है आपका सस्पेंस कि कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी को सप्लाई करते हैं बिना अथॉरिटी के, उनको नोट छापने के भी वो पैसे को डबल कर देते हैं। तो हम ये देखेंगे हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में कि कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी को सप्लाई करते हैं और वो कितना सप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लायर क्या होता है, CRR क्या होता है, वो हम सब देखने वाले हैं हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। सो यू शुड सब्सक्राइब द चैनल to clear all your doubts about how commercial banks supply money. So बेटा ये थी हमारी क्लास आज की मनी सप्लाई पे, और हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई पे, कि ये जो मनी सप्लाई है इसको हम कैसे मेजर करेंगे। हम वहाँ पे चार मेजर देखेंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास में हम हमारा ये डाउट क्लियर करने वाले हैं कि कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी को सप्लाई करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।